साहस सरोकार। यूक्रेन से 20,000 से अधिक भारतीयों की हो चुकी है सुरक्षित वापसी। रूस ने क्यू पर फिर तेज किया आक्रमण। सऊदी अरब अप्रैल में बढ़ाए गए एशियाई देशों के लिए क्रूड ऑयल का दाम। महंगाई पर होगा प्रतिकूल असर। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच 10 मार्च को होगी मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी आज गुजरात में कच्छ में आयोजित सेमिनार को करेंगे संबोधित। कांग्रेस पार्टी आज लखनऊ में करेगी मार्च। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत मार्च होगा। 12 बजे प्रियंका गांधी मार्च में होंगी शामिल। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल से उत्तराखंड में भाजपा व कांग्रेस दोनों को ही सत्ता का दावेदार बताए जाने के बाद अब ये दल सतर्क हो गए हैं। इस कड़ी में भाजपा ने योजना तैयार की है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं की मतगणना पर पल पल की नजर रहेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहले ही देहरादून में डाल चुके हैं और मंगलवार को केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी यहां पहुंच जाएंगे। उधर एग्जिट पोल आने के दौरान प्रदेश भाजपा कार्यालय में सोमवार शाम को सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन पार्टी नेताओं की अन्य स्थानों से इस पर बराबर नजर रखी गई। उनका दावा है कि भाजपा फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हरिद्वार में आगामी 10 मार्च को विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना होनी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से मतगणना स्थल पर हरिद्वार की सभी 11 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए टेबलें तैयार की जा रही हैं, जहां मतगणना 10 तारीख को सुबह से शुरू होगी। मतगणना की सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें मतगणना स्थल से 100 मीटर के दायरे को जीरो जोन बनाया जाएगा। परिवहन विभाग उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आने वाली व्यावसायिक वाहनों से ग्रीन सेस लेने की तैयारी कर रहा है। परिवहन विभाग इसके लिए योजना का खाका तैयार कर रहा है। इसके तहत इन वाहनों से 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक सेस लिया जा सकता है। इस टैक्स को उत्तराखंड के लिए जारी होने वाली परमिट के लिए जाने की योजना है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय प्रस्ताव के शासन के बाद लिया जाएगा। प्रदेश में वाहनों से होने वाली प्रदूषण को कम करने के लिए उपायों और दुर्घटना संभावित स्थल पर मार्गों को ठीक करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग दिसंबर 2012 से सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर ग्रीन सेस लागू किया है। नए वाहन के पंजीकरण के दौरान एक निर्धारित राशि ग्रीन सेस के लिए तय की गई है। सुल्तानपुर में अवैध खनन का शिकायत पर राजस्व विभाग पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी अभियान चलाया है। अवैध खनन करने वाले और खनन से भरे वाहनों को अपने कब्जे में लेते हुए खनन पट्टों की नापतोल की गई है। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। एसडीएम राकेश चंद तिवारी, सीओ वंदना वर्मा, तहसीलदार राजेंद्र सनवाल, सुनीति पाल, दीपक चौहान ने छापेमारी की, जिसे देख खनन माफियाओं में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह शिकायत प्राप्त हुई कि जहाँ खनन पट्टा क्षेत्र है, उस पट्टे से बाहर कुछ खनन हो रहा है और उसको डंपर के माध्यम से भेजा जा रहा है। तो यहाँ इसकी सूचना प्राप्त होते ही हमारे जो पटवारी हैं और यहाँ के चौकी प्रभारी, इन लोगों ने उस पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए रोकथाम की और जो डंपर में खनन भरे थे उसको उन्होंने रुकवा लिया। उसके पश्चात हमने शिव मैडम की जानकारी बताया और तहसीलदार साहब को भी पूरी टीम के साथ भेजा मैंने कि मौके पे जांच करके देखिए कि क्या वास्तव में जहां पट्टा का क्षेत्र है, जो पट्टे दिए गए हैं, वहां हो रहा है या उसके अलावा। तो अभी इन लोगों के द्वारा जांच कर ली गई है प्रथम दृष्टया, लेकिन अभी जो तहसील की टीम है उनके द्वारा कहा गया कि इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट के लोगों। हरिद्वार में डॉक्टर अनीता भारती ने हरी चौक के स्थित मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की और कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने जानकारी देते हुए बताया है कि रूटीन चेकिंग के तहत इस अभियान को गति दी गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालकों की ओर से प्रतिबंधित दवाओं की खुलेआम बिक्री किए जाने की सूचना मिल रही थी, जिसके चलते आज मौके पर जाकर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई।
लगातार यहाँ से शिकायतें आती रही हैं कि जो है कुछ क्लिनिक द्वारा और मेडिकल स्टोर्स द्वारा नारकोटिक्स जो दवाएं हैं उनका। हरिद्वार में भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। वायरल वीडियो के बाद हरिद्वार में ब्रह्मापुरी क्षेत्र में भी भक्तों ने शिव मंदिर में नंदी महाराज की मूर्ति को दूध पिलाया। हरिद्वार में शिवालयों में भक्तों की भीड़ जुटने लगी है, यह सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं का दावा है कि नंदी भगवान की मूर्ति दूध पी रही है। डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सेक्रेटरेट और राज्य सेक्टर केंद्र पोषित 20 सूत्रीय योजनाओं की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अधूरे कार्यों को इसी माह पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही कहा कि जिन विभागों द्वारा कम खर्च किया गया है वह जल्द कार्यों का भुगतान करें और विकास कार्यों को पूरा करें जिससे लोगों को उसका लाभ समय पर मिल सकेगा। जिला योजना, राज्य योजना और केंद्र योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जनपद पौड़ी के जितने भी विभाग हैं सबसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप अपना धनराशि तत्काल खर्च करना सुनिश्चित करेंगे। अभी 4 से 5 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में धनराशि अभी अवशेष है। उन डिपार्टमेंट में प्रमुखता से DOPRD युवा कल्याण विभाग, साथ में पेयजल संस्थान है, पेयजल निगम है और PWD है। तो उनको निर्देश दिया गया है जिला योजना में जो धनराशि मिला है उसको तत्काल खर्च करें और उसी प्रस्तुत करें। साथ में जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं जिनका राज्य सेक्टर में धनराशि कम खर्च हुआ है, प्रमुखता से PWD, PMGSY और जो हमारे पेयजल निगम है इनके पास अधिक धनराशि बाकी है तो उन डिपार्टमेंट का शोखो जारी किया जा रहा है। उनको अपना धनराशि खर्च करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है और अनुरोध किया जा रहा है कि 31 मार्च से पूर्व जो भी धनराशि उनके पास। कलियर में पुलिस और साइबर सेल ने क्षेत्र में खोए हुए 25 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिया। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस का धन्यवाद कर उनके काम की प्रशंसा की है। क्षेत्र अधिकारी विवेक कुमार ने कलियर थाने में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के कई स्थानों से करीब 25 मोबाइल फोन गुम हो जाने की सूचना मिली थी जिनकी रिकवरी करने के लिए थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र राठी के नेतृत्व में टीम गठित किया गया है। लक्सर में 4 दिन पहले व्यापारी की दुकान में चोरी हुई थी। SP देहात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। 4 दिन पहले लक्सर रुड़की मार्ग पर व्यापारी की दुकान में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। व्यापारी ने जिसकी रिपोर्ट लक्सर कोतवाली में दर्ज कराई थी। लक्सर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उच्च अधिकारी को दिशा निर्देश में टीम बनाई थी। अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। जो प्रोविजन स्टोर है वहाँ से रात को चोरी हुई थी, उस संबंध में जो इसके जो मालिक थे राम कुमार गुप्ता जी उनके पुलिस को एक तहरीर दी गई थी जिसने जो वहाँ के संबंधित चौकी प्रभारी हैं उनके द्वारा इसको तुरंत अभियुक्त इसमें पंजीकृत कराया गया था। इसमें इंस्पेक्टर CO लक्सर और इंस्पेक्टर लक्सर इनकी टीम के द्वारा लगातार वर्क करते हुए 48 घंटे के अंदर इस पूरी घटना का खुलासा किया गया। ये क्योंकि ये थोड़ा सा मामला इसलिए भी सेंसिटिव था क्योंकि बाजार क्षेत्र के अंदर से चोरी की गई थी और सभी अभियुक्त क्योंकि बाहर के थे और अज्ञात में ये मुकदमा लिखा गया था, उसके बावजूद भी अच्छा सर्विलांस का यूज़ करते हुए पुलिस के द्वारा सभी चारों अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और उनके खिलाफ जो आवश्यक। विकासनगर पछवादून क्षेत्र में खनन से जुड़े लोगों को आपस में झगड़ते देखा जाता है। स्क्रीन पॉइंट पर खनन व्यवसायी आपस में झगड़ पड़े। मामला मारपीट तक आने पर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। खनन व्यवसायी उमेश गुप्ता का कहना है कि स्क्रीनिंग प्लांट पर अपने ड्राइवर को खर्चा देने के लिए गया था, मेरा ट्रैक्टर स्क्रीन प्लांट पर माल ढो रहा था। मामला ये हुआ सर कि मेरा ट्रैक्टर जो है माल लेके आया क्रेशर पे, तो मैं अपने ड्राइवर को पैसे लेके गया देने के लिए, तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा था पहले से, उसने आके एकदम ट्रैक्टर के आगे खड़ा हो गया। उसका नाम है साबिर खुजली और उसका लड़का भी वहाँ पे था, तो उसने एकदम आके जो है कि ट्रैक्टर पे रोक लिया कि आपका ट्रैक्टर नहीं चलेगा। इतनी देर में क्या हुआ सर कि और भी आ गए 3-4 आदमी, एक सुलेमान था, एक सलमान था, उसके पिताजी का नाम इरशाद है, और एक जो है कि वाका वसीम बोलते हैं शकील, उसके बाप का नाम सर शकील है। इन्होंने एकदम मेरे ऊपर वो घेरा दे लिया और मारने लग गए मेरे से, जो है कि एक सोने की चैन, 10,000 रुपये जो मैं ड्राइवर को दे रहा था वो भी छीन लिया और मारपीट करी। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई ट्रैक्टर नहीं चलेगा,
और पूरी बदमाशी दिखाई और पैसे लेके चले गए। इन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन में भी हमारी इतनी है कि आप जाके आप रिपोर्ट दर्ज करा के दिखा दो, ये कहा जी। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।